अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिराज उलोग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और जो उनके इकामा पे प्रोफेशन है उसका अब टेस्ट देना होगा सऊदी अरब में, जो चौथा फेज चालू हो चुका है। तो आपके इकामे पे जो भी प्रोफेशन होगा वो उसका टेस्ट देना होगा कुछ कैटेगरी को छोड़कर। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो HVAC टेक्नीशियन है उसके हवाले से, उन लोगों से कंप्यूटर पे कौन सा सवाल आएगा, कैसा पूछा जाएगा, कौन से सवाल कैसे होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं और उनके कंपनी में किस हिसाब से आदमी हैं, तो वो फेस बाई फेस चालू हो गया, चौथा फेस है। तो मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शॉट लगा देता हूं। अगर आपके कंपनी में इस हिसाब से आदमी काम कर रहे हैं तो आप लोगों का भी अब नंबर आ जाएगा। जो काम कर रहे हैं आपके इकामे पर है उस हिसाब से आपका टेस्ट होगा। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं और आपके इकामे पर दूसरा है तो आपके इकामे पर जो है वो काम आप सीख लीजिए, जान लीजिए उसके बारे में हर एक चीज़, क्योंकि आपको अब टेस्ट देना होगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो HVAC टेक्नीशियन के हवाले से कौन सा सवाल पूछे जाने वाला है, कैसा कैसा पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ जो एक ट्यूटोरियल मैंने तैयार किया है और वो लगभग 7-8 सवाल हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग देखिए, पूरी वीडियो में बने रहिए। Thank you.
जैसे कि आप लोगों ने जो देखा होगा, ऐसे ही सवाल आ सकते हैं। ये नहीं कह सकता कि ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं। तो आप लोग अगर एसी टेक्नीशियन हैं, एचवीएसी टेक्नीशियन, तो आप लोग ऐसे ही तैयारी कर लें। और आप लोगों को अगर काम मालूम है, अगर आपके इकामे पर जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से आप तैयारी करें। आप कौन सा काम कर रहे हैं ये यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं मालूम है। जैसे आपका इकामा जो है उस हिसाब से आपका टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिले। अगर ये वीडियो अच्छे लगी हो तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मैं इस पे दो तरह की वीडियो डालता हूँ, कभी कदार सऊदी के जो प्रोफेशन टेस्ट है उसके हवाले से, और शाम को एक वीडियो आती है जो रहता है सऊदी अरब की न्यूज़ के हवाले से। तो ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।